बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, ये काम नहीं कर रही है और भगत ऑटो वालों को सहयोग कर रही है, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यानी का कहना है कि उनको परेशानी झेलना पड़ा और इस संबंध में ही उनसे थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगी जा रही है और अगर किसी और की परेशानी लिपटाएगी तो उसको जांच जरूर किया जाएगा। कनाडा के NRI जो पीड़िता थे वो कोतवाली थाने पहुंचते हैं, मामले को दर्ज की जाती है जिसमें दो पुलिसकर्मी तो सस्पेंड होते ही हैं चिकन लॉलीपॉप यानी यूं कहिए खाने पीने को लेकर। उसके बाद कोतवाली थाने में पदस्थापित राजन कुमार पर भी गाज गिर सकती है। देखिए अधिकारियों ने साफ तौर से कहा कि आखिर कहाँ लापरवाही हुई, किस तरीके से लापरवाही हुई कि NRI जो पहुँचते हैं कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाते हैं और पुलिसकर्मी जाते हैं और उन्हीं से खर्चा पानी मांगने लगते हैं। बिल सामने आती है, बिल सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचती है जिसमें कोतवाली थानेदार भी संदेह के घेरे में आते हैं और उस पर क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं जरा वो सुनिए। मैंने खुद भी उनसे बात किया है, उनका 8 तारीख की घटना है और आज जो है आपको 9 तारीख को और 8 तारीख को उनको अनुसंधान की गई है इस केस में। आज जो है उनको बुला के हमने बात की उसको और उनका कहना है कि उनको परेशानी झेलना पड़ा और इस संबंध में ही उनसे थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगी जा रही है और अगर किसी और की परेशानी लिपटाएगी तो उसको जाँच जरूर किया जाएगा। अगर ये पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो है DGP सर का सख्त निर्देश है कि जो है हमें 20 मिनट के अंदर, मतलब आधे घंटे 20 मिनट के अंदर जो है हमें उनको जो है कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है जब थाने पे कोई आता है। तो अगर ये लापरवाही ये भी निकल के आती है तो उस पर संबंधित पदाधिकारी जो भी उस समय इसमें जो रिस्पॉन्सिबल थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रवि ने बताया कि 2-3 बार पुलिस वालों ने कहा कि खर्चा पानी दीजिएगा तो ही CCTV कैमरा। जरूर जरूर, इसी संबंध में उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी आगे। FIR कब लॉन्च किया गया, कितने तारीख से? FIR 8 तारीख में लॉन्च किया गया। तो आरोप लगे हैं कि उनको बुला के छोड़ा गया तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो है उनको ट्रेस किया जा रहा है तकनीकी अनुसंधान करके और उन पर जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनका सामान वापस की जाएगी। क्या ये वही ऑटो वाला था जिसे छोड़ा गया, जिसने ऐसा कहना है वादी का और इसी संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्यों, किस आधार पर जो है उनको बुला करके छोड़ा गया, क्या साक्ष्य उनके विरुद्ध उस समय पाने की कोशिश की गई थी, इसके बाद ही जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और अनुसंधान जो है अभी त्वरित कार्रवाई होगी इसमें और उसको तुरंत पकड़ के हम लोग जो है भेजेंगे जेल अगर मिल जाए। ऑटो का नंबर उन्होंने लिया, फिर पुलिस किस चीज़ को खोज रही है? यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने यही बात मैं कह रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि बेसिकली जिस ऑटो का नंबर उन्होंने दिया था, वादी का कहना है कि उनको यहाँ बुलाया गया था 8 तारीख को ही और वो आए थे यहाँ पे और उसने कन्फ्रंट किया कि मैंने नहीं किया है तो उनको छोड़ा गया, ऐसा वादी का कहना है। तो इसी बिंदु पर जो है मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये निकल के आती है कि साक्ष्य बिना संकलन किए ही उन्हें छोड़ा गया या फिर साक्ष्य संकलन करने की कोशिश भी नहीं की गई तो जो है हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं बोला ठीक है, फिर मैं होटल में गया, होटल जाने के बाद वो पुलिस वालों को मैंने बोला चाय वाय पीना है तो पी लो, तो बोले चाय वाय नहीं पीना, खाना ही खाना है। मैं बोला यार खाना खाने दो, चलो मैं खाना खिला देता हूँ। जैसे फिर मैं अपने होटल के रेस्टोरेंट में ले गया, उन्होंने तो भैया लंबा बिल ही बना दिया एकदम। खर्चा पानी की क्या बात थी? हाँ तो सेवा पानी करोगे तो कुछ निकलेगा हल। किसने कहा? वही जो कांस्टेबल और थाने वाले जो आपको लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा? खर्चा पानी दोगे तभी तो निकलेगा, बिना खर्चा पानी के तो कुछ होता नहीं। बोला ठीक है। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, ये काम नहीं कर रही है और भगत ऑटो वालों को सहयोग कर रही है, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं।